दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एजुतंत्र। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं निशन लाइव। अब आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना अपने पैर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पसार रहा है। प्रशासन सख्त हो गया है, वो जगह जगह पे चेकिंग कर रहा है कि लोगों ने मास्क लगाए हैं या नहीं। इतने सालों से हम गाड़ियां चला रहे हैं और सरकार को आज भी ये जागरूकता फैलानी पड़ रही है कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना अनिवार्य है, सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। हम ये चीज़ें समझते क्यों नहीं हैं कि हेलमेट या सीट बेल्ट हम इसलिए नहीं लगाते हैं कि हम 1000 रुपये के फाइन से बच सकें, ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि अपनी सुरक्षा कर सकें। आज कोरोना महामारी ने पूरे देश को, पूरे विश्व को जकड़ रखा है और इससे बचने का एक उपाय मास्क लगाना है। लेकिन अगर मास्क के लिए भी प्रशासन को चालान काटना पड़ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये सभ्य लोगों का असभ्य देश है, जहां लोग कानून का पालन नहीं करना चाहते, जहां लोगों को अपने स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। हाँ, वो शाम के टाइम ये ज़रूर गप्पे मारेंगे कि इस देश की सरकार कुछ कर नहीं रही है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको सिर्फ मास्क लगाने को तो बोला जा रहा है लेकिन आप मास्क नहीं लगा रहे। दिन भर में सैकड़ों ऐसे चालान कटते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इन लोगों का चालान इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि इन्होंने मास्क नहीं पहना है। ये खबर गोपालगंज की है, गोपालगंज से हमारे रिपोर्टर चंद्रभूषण दास ने की है। बैकुंठपुर के BDO अरविंद कुमार गुप्ता खुद बाहर निकले हैं लोगों का चालान काटने। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनका चालान काटा जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट बिहार से। देखा जाए यहाँ प्रशासन भी, जैसे अभी कोरोना का जो महामारी निकला हुआ है जिसने 85 आया हुआ है, आने के बाद ही प्रशासन भी अपना देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। प्रशासन जिनका देखा जाए यहाँ पे जूता नहीं है, ये जूता नहीं है, हेलमेट नहीं है, उसके बाद भी मतलब कि समझाया जा रहा है जबकि लाइसेंस भी पता नहीं है कि नहीं है। अभी देखा जाए प्रशासन भी अपना किस तरीके से कार्य कर रहा है। हेलमेट जूता लगा के चल रहे ठीक बाहुल साहब हेलमेट जूता मास्क कहाँ मास्क पैकेट में रख ला सो निकाल के लगाए मास्क लगाए निकाल के जूता पहन के चल राहुल हमने जूता का पैंट पकाए घूमत रे अब हम यहाँ के जो भी ग्रामीण पुलिस हैं, अब जरा इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि ये लोग जो चेकिंग कर रहे हैं उसमें क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि बाइक का कागज नहीं है, कि हेलमेट नहीं है, किसके लिए कि मास्क नहीं है। अगर ऐसा ये लोग हर समय करेंगे तो क्या उसके लिए प्रशासन और कड़ा कोई रूप लेगा कि बस ये लोग समझाते रहेंगे? अभी आप जो ये कार्य कर रहे थे तो आप लोग क्या कोई कड़ा एक्शन इस पर लेंगे कि बस जो है बस समझा के आप लोग छोड़ देंगे? अभी तो हम लोग समझा रहे हैं, हेलमेट नहीं है, जूता नहीं है, मास्क नहीं पहने हुए हैं, अभी हम लोग समझा रहे हैं। इसके बाद अगर लोग नहीं समझेंगे तो इसके बाद हम लोग इस कड़ा एक्शन लेंगे। तो एक्शन में क्या ये जो चालान काटा जाता है चालान? हाँ, चालान भी हम लोग काटेंगे, अगर लोग नहीं बनेगा तो चालान भी हम लोग काटेंगे। अच्छा, मतलब आज जैसे कि ये जो कल इसको सील किया गया है दिगवा दुबोली मार्केट सभी दुकान, यहाँ तक कि ब्लॉक भी सील है, तो जैसा हमने देखा कि यहाँ पे जब सब सील है तो ये लोग मास्क का यूज़ कोई नहीं कर रहा है। हालांकि 2 दिन पहले हमने देखा कि ये BDO साहब के द्वारा
कि चालान काटा जा रहा था 50 रुपये का, तो वो आप लोग कब से करेंगे? अगर पब्लिक अगर नहीं पब्लिक सुधरती है तो एक दो दिन के बाद से हम लोग भी करवाई, आप लोग चालान काटने का करवाई अविलंब शुरू करेंगे। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें, इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा ज़रूर पिएं, विटामिन सी और जिंक के स्रोतों का सेवन ज़रूर करें, ताकि आप इस बीमारी से बचे रहें। इस बीमारी से बच के आप अपना और अपने परिवार वालों का तो ख्याल रखेंगे ही रखेंगे, साथ में अपने मोहल्ले का, अपने देश का भी ख्याल रखेंगे। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें निशन लाइव। धन्यवाद।